So hey guys, what's up everybody? Here is your boy Simsab Khan and you are watching a brand new video. So hey friends, बहुत समय हो गया, कम से कम एक दो से तीन तीन चार महीना हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं गांव में हूँ और यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि घर पे हैं सब लोग क्वारंटाइन और कोरोना की वजह से बाहर भी नहीं जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा बाहर जाने के लिए चांसेस हैं, तो इसके लिए मैं आया हूँ आज फिशिंग करने के लिए। सो मैं मेरे भाइयों के साथ आया हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे। सो आज हम फिशिंग करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं, पर मज़े करते हैं, व्लॉग करना मेरा काम है, आप देखिए मज़े करिए। और जिस जिन ने अभी तक वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, एक साल से मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक मेरे 1K नहीं हुए। सो वही जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में कुछ तो लिखते जाओ। सो वही चलते हैं और देखते हैं। सो है अभी मैंने शुरू किया है, मतलब यहाँ पे है सेटअप मेरा, ये वो दोरा बीरा कुछ भी, और यहाँ पे है ये, इस पर मैं लगाऊँगा इसको, हमारे लैंग्वेज में केचवा बोलते हैं, मराठी में गांडू, इसको लगा के ना वहाँ पे फेंकूँगा, फिर जो मिलेगा नहीं मिलेगा आप देख लेना, और इनको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी देख लेना। तो मैंने वहाँ पे सेटअप किया हुआ है अच्छे एकदम बेहतरीन वाला, सो अभी देखते रहेंगे। चलो मैं अभी फेंकता हूँ, फिर वहाँ पे आप देख लेना समझ जाएंगे। सो वही तो अभी मैं यहाँ पे हुक पे चारे को लगा रहा हूँ, और सन के ऑपोजिट साइड पे होने की वजह से वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आया, तो इसके लिए माफ़ कर देना, सॉरी। से इस टाइप की कुछ तो फिश है, आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, रुकिए मैं चेक करता हूँ एक बार। और आ गई नया तिले पकड़ तो से कहाँ जाती है, दिखाई नहीं दे रही, मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। क्या बढ़िया छुट्टी है, हे एट अ टाइम टू वाह कड़क है भाई हसन भाई, मस्त एक नंबर। हम रुको मैं फिशिंग के लिए बैठ रहा था, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वीडियो क्लियर आ रहा है। आई मच्छी, ओ वाह 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 वाह, फिश आई, फिश फिश आई काड़िया, वाह दिखा इधर दिखा भाई, हाँ आने के तो क्लियर एक नंबर भाई, मछली पर जूम आराम से होकर टकते खड़गा। सो मैं एक्चुअली क्या कर रहा था कि भैया ने बताया मेरे को, यहाँ पे देखिए अभी पहले मेंढकी मेंढकी कितनी बड़ी है अभी, हेलो आप देख सकते हैं, रुकिए मैं दो मिनट हाथ में लेता हूँ, आपको दिख रही है, आपको दिख रही है कि नहीं, ये आई मच्छी गई, ओ शॉर्ट 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 शॉर्ट। सो एग्जैक्टली मैं तब से बता रहा था कि मैं पहले वहाँ बैठा था वो भैया के पीछे वहाँ पे, तो वहाँ से क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैं अभी यहाँ पे लगाऊंगा स्टैंड और मैं साइड में बैठूंगा यहाँ पे, तो आपको टाइम लैप दिखाऊंगा, मतलब झमझम झम जैसे मच्छी मिलती है वैसे, तो अभी यहाँ पे बैठूंगा और लगाऊंगा, देखते रहिए। सो भाई
सो बहुत वक्त हो गया ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, तो हमारे मौला भाई ने कुछ तो जुगाड़ बोला है। क्या है भाई? तो हम लोग पार्ले जी बिस्किट को फोड़ के इसको खाद यूज करने वाले हैं। इसको फेंकने के बाद इसकी खुशबू से मछली हम जहाँ पे शिकार कर रहे हैं उस वहाँ पे आएगी, और उसके बाद हम फेंक के वहाँ पे शिकार करेंगे। सही है, तो देखते हैं क्या होता है या नहीं होता है। हो गया इधर किधर मछली आई। ओ माँ, अभी देखिए यहाँ पे एक फिश आई है, बहुत छोटी है लेकिन जिन्हें तो भाई काम करते हुए। अरे सूरज है क्या उधर? उधर से नहीं, इधर से नहीं, रुक यहाँ दिखा अभी बहुत बड़ी पकड़ते हुए प्रे करो बहुत अच्छी मिले। सो वही देखते हैं कुछ होता है कुछ नहीं होता है, देखते रहिए। फिशिंग के लिए बहुत पेशेंस लगते हैं जो मुझ में नहीं है। सब लोग बैठे हैं पिछले एक घंटे से, किसी को एक भी नहीं लगी, और किसी को लगता है कि बहुत लगते हैं, पर वैसा कुछ सीन नहीं है। वही एक फिश भी जब आती है मतलब मिस हो जाता है ज़्यादातर। अभी भाई ने एक अच्छी वाली फिश पकड़ी है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा उसका कुछ फुटेज वगैरह मिले तो। अभी मेरे को है देखो ऐसे खींचती है मच्छी, अभी धागा खींच रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा खींचती है, कभी कभार आती है, छोटी मच्छी भी रहती है ना। सो वही कुछ मिले तो दिखाता हूँ। सो वही अभी मैं यहाँ पे फिर से ऐसे लगाऊंगा, आप देखते बैठिए कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। सो वही बाय। तो इस तरह से फेंक भीक के बैठना चाहिए, उसके बाद वो थोड़ा ऐसे मतलब दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, रोप ऐसी होती है भाई, मच्छी देखिए वहाँ पर निकलेगी मच्छी, आप देख सकते हैं। ओ अच्छा साइज है, बहुत समय के बाद में मिली अभी, देख सकते इसके फिन पे कांटे वगैरह बहुत दड़ पड़े। ये देखिए इसके गले में इस तरह अटकती है, फिर ये बहुत वक्त के बाद में मिली हमारे भाई को, देता हूँ उसको। अभी मैं बता रहा था क्या गाड़ को अच्छी तरह से। तो जब इस तरह से दौर होती है तो ये वाला हिस्सा पानी में होता है, तो इस तरह धीरे धीरे करते तब हमको खींचना चाहिए, फिर उसके इधर फंसता है बाहर काटने का, फिर उसको अभी देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरह से पानी में रखते हैं तो जो ना बैग, इस बैग में रखते हैं ताकि वो घर पे जाने तक फ्रेश रहे। हम सब लोग फ्रेश मच्छी खाते हैं, तुम सिटी वाले बंदे होते हैं ना वो सब बासी मच्छी खाते हैं दो तीन दिन या फिर 10 दिन के बाद खाते हैं, समझा मजाक कर रहा हूँ, आपको भी फ्रेश आती होगी पता नहीं फिर भी। सो वही वो खेकड़ा है लाए जिन्हें तो भाई ये मछली खेकड़ा है लाए, खेकड़ा मैन उसको पकड़ रहे मछली वहाँ ठोंग मारने छोड़कर हट पाए इसमें हम। ओ ये देखो इस तरह कभी कभार ये भी लोग मिल जाते हैं हमको मजा आती है। सो वही वाह आराम से काट। ओ माँ सीने एक नंबर मतलब इधर आता साइड में तेरा फुटेज एक नंबर। ये होती है मछली। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जब फिश लाइन को खींचती रहती है मतलब ठोंग देती रहती है तो कैसे मूवमेंट होती है, आप देख सकते हैं वहाँ पे फिश लाइन अभी थोड़ी कम हुई, ऐसा थोड़ा खींचती रहती है, ठोंग मारना बोलते हैं उसको, तो लूज छोड़ते देख सकते हैं आप, तो उस पर किस तरह से फिश पकड़ी जाती है देखिए। ये देखिए मस्त बूम भाई बे। सो जो फिशिंग लाइन होती है उस पर हुक किसी तरह बांध जाता था, मतलब फिश लाइन जो होती है उसके पे किस तरह से हुक को लगाया जाता है, अभी हमारे मौला भाई दिखाएंगे, क्योंकि मेरा जो हुक है वो खेकड़े ने कट कर दिया। तो मौला भाई थोड़ा बताइए। तो फिशिंग लाइन को आपको इस तरह से गोल करके लेना है, ओके उसके बाद इसको उल्टा करके आपके साइड कर लेना है, उसके बाद एक साइड को आपका शीश रहेगा और दूसरे साइड को जो लाइन है उसको आपको राउंड अंदर से घुमाते रहना है। किस तरह से?
तो इस तरह से आपको घुमाते रहना है इसको, और उसके बाद जो इस साइड का गोल रहेगा उसको इन दोनों के बीच में से लेके आपको ऊपर करना है, और फिर आपको ये साइड जो है आपके मुंह में रख के ये नीचे से टाइट कर देना है। तो ऐसे करने के बाद ये आपका हो गया हुक के लिए रेडी। हुक कहाँ है भाई? यहाँ पे, ये होता है हुक। उसके बाद इस हुक को एक होल होता है जिसके अंदर से आपको फिशिंग लाइन डालनी होती है। तो ये जो फिशिंग लाइन है, अभी मैं इस फिशिंग लाइन को इस होल में से लेके जाऊंगा, और फिर लेके आने के बाद इस फिशिंग लाइन में से इसको पार कराना है, और ये हो गया आपका हुक टाइट। थैंक यू। सो अभी एक जो वो खेड़ा है उसने मेरा ये कड़ा कर दिया, तो मैं फिर से लगा रहा हूँ अभी फिर से। अभी इस बार ना मैं कम से कम 50 किलो की फिश पकड़ूंगा। सो ये देखते जाते हैं, कुछ हो जाएगी, मजाक कर रहा हूँ, उतनी बड़ी नहीं, थोड़ी बहुत आ सकती है। सो चलते हैं, देखते हैं और मचाते हैं और पकड़ते हैं और सब फिश खाली करते हैं। सो भाई मछलियाँ देख, हाँ करते खा ले की मछली। ये मछली कहाँ लेके मतलब? वही बस इतना ही कुछ था, मतलब हमने थोड़ी बहुत फिश पकड़ ली, और एक फिश मिली थी तब, लेकिन मेरा कैमरा ऑन नहीं था तो उसको शूट नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं फुटेज डालूँगा। तो ये वाली वो फिश है, सो वही ये वाली फिश थी जिसको मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन हमने पकड़ी और बाकी सब आपने तो देख लिया। तो मेरे को टोटल 3 ही फिश छोटी छोटी मिली, और ज़्यादा मैं कुछ पकड़ नहीं पाया। सो वही, सो बस आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो का लाइक कर दो, और नीचे कमेंट में जो भी दिल की बातें हैं उनको लिख दो, और कुछ नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।